जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं गोविंद यादव, आपका मैथमेटिक्स टीचर। सो बेटा, हमारा कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारा टॉपिक था फ्रैक्शन। सो हमने फ्रैक्शन के बारे में देखा था। फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो इसी के ऊपर हमारे कुछ सॉल्व द स्टोरी सम हैं, और सो हम उनको करेंगे। पर सबसे पहले हम एक बार फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन को देखते हैं कि क्या होता है। सो बेटा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई विद होल नंबर। होल नंबर आप सबको पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जो 0 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ओके, सो इन होल नंबरों का हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करना है। फ्रिक्शन आपको पता ही है क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/4, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, 1/2 और क्या है, 3। 1/2 क्या हो गया हमारे पास, फ्रिक्शन हो गया। 3 हमारे पास क्या है, होल नंबर है। ठीक है, सो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा इसमें एक रूल लगता है कि मल्टीप्लाई में रूल लगता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, हम एलसीएम लेते थे, बट इसमें एलसीएम नहीं लेना है। मल्टीप्लाई में एक रूल लगेगा कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी। सो ऊपर ऊपर वाले की अगर मल्टीप्लाई की तो 3 3 1 = 3 और 2 = 1। देखो बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमेशा 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सो 2 = 2। ओके, सो आगे देखो, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1/4 × 8 है, ठीक है ना, 4 × 1 = 8। सो ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 8 × 1 ये हो गया 8, 4 × 1 हो गया 4। सो 4 से इसको सब्ट्रैक्ट, 4 इनको डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 8। सो आंसर कितना आ गया हमारा, 2। ओके, अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई विद फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन आपस में इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3/2 × 7 = 6/7, 3/2 × 6/7। ठीक है, सो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। तो 3 6 का क्या होता है, 18 होता है। 2 7 का क्या होता है, 14 होता है। 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 9/7। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारा आता है एक्सरसाइज 4.10, जो मल्टीप्लाई के ऊपर ही सोल्व द स्टोरीज सम है, इनको हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए डिजाइनर यूज 1/1/2 मीटर क्लॉथ टू स्विच ए शर्ट, हाउ मैनी क्लॉथ डज सी नीड टू स्विच 5 सच शर्ट्स। क्या कह रहे हैं कि डिजाइनर है वो यूज करता है 1/1/2 मीटर क्लॉथ स्विच ए शर्ट, शर्ट को बनाने में, तो हाउ मच क्लॉथ डज सी नीड टू स्विच 5 शर्ट्स। सो कितना क्लॉथ यूज होगा, 5 शर्ट्स, ऐसी 5 शर्ट्स बनाने में कितना क्लॉथ यूज होगा। सो बेटा हमें सबसे पहले क्या किया, डिजाइनर यूज करता है क्लॉथ, डिजाइनर यूज द क्लॉथ मतलब क्लॉथ यूज करता है, कितना करता है, 1/1/2 मीटर करता है एक शर्ट बनाने में। तो क्लॉथ नीड फॉर 5 शर्ट्स, 5 शर्ट्स बनाने में क्लॉथ कितना यूज होगा। देखो बेटा, एक को तो बनाने में कितना होता है, इतना, 5 को बनाने में कितना होगा, ज़्यादा होगा। सो ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करनी पड़ी। सो 1/1/2 × 5, सो क्या हुआ हमारे पास, इसको पहले हमें किस में, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करना होगा। ये मिक्स फ्रिक्शन है, पहले सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करना होगा। 2 2 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 3/2 × 5। तो क्या हुआ, 3/2 × 5, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 = 15 और नीचे आ गया 2। ओके, अब हमारे पास आंसर हो गया 15/2। 15/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सो 2 से डिवाइड किया तो 7 पे क्या, 14, 7 तो कंप्लीट हो गया हमारा, 1 रिमाइंडर बचा था, 1 1/2 मीटर हमारा, ये हो गया आंसर। सो इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कि 3/4 कप्स ऑफ कोका इज नीडेड टू मेक ए चॉकलेट बार, इफ रोवन वांट्स टू मेक 16 सच चॉकलेट बार्स, हाउ मैनी कप्स ऑफ कोका आर रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है कि 3/4 कप्स ऑफ कोका इज नीडेड टू मेक ए चॉकलेट बार, एक चॉकलेट को बनाने में 3/4 कप्स ऑफ कोका की क्या होती है, जरूरत पड़ती है।
बट रोहन क्या चाहता है, रोहन वॉन्ट्स टू मेक, रोहन चाहता है कि 16 सच चॉकलेट बार्स, कि वो 16 जो है चॉकलेट बार्स बनाना चाहता है। तो कह रहा है कि कितने कोका कप्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखे बेटा, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो, कोका कप्स इज नीडेड फॉर ए चॉकलेट। एक चॉकलेट बनाने के लिए कितने कोका कप्स की जरूरत पड़ रही थी हमें, 3/4 की। देखो ये रहा, 3/4 की जरूरत पड़ रही थी। ओके, सो रोहन कितने बनाना चाहता है, रोहन वॉन्ट्स टू मेक चॉकलेट बार, कितने बनाना चाहता है, 16। ठीक है, सो कप ऑफ कोका रिक्वायर्ड, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16। अगर 3/4 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो मैंने यहाँ से सीधा इसको काट दिया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया है, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया है, 4 1 4, 4 4 16, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दी है इन दोनों की, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12। सो इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, 2 and 3/4 liter ऑफ पेंट इज नीडेड टू कलर ए स्क्वेयर मीटर ऑफ ए वॉल, हाउ मच पेंट इज रिक्वायर्ड टू कलर 3 and 1/2 स्क्वेयर मीटर ऑफ सेम वॉल। क्या है देखो बेटा, 2 and 3/4 liter ऑफ पेंट इज नीडेड टू कलर 1 square meter ऑफ वॉल। क्या कह रहे हैं, 1 square meter ऑफ वॉल पे कितना पेंट लगता है हमारा, 2 and 3/4 liter। ओके, सो हाउ मच पेंट इज रिक्वायर्ड टू द कलर 3 and 1/2 square meter ऑफ सेम वॉल। सो बेटा क्या कह रहा है कि 3 and 1/2 square meter पर कितनी पेंट हमारा लगेगा। ओके, सब आंसर इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, कि 1 square meter वॉल नीडेड पेंट, कि 1 square meter वॉल पर कितना पेंट चाहिए था हमें, 2 and 3/4 liter। ओके, 2 and 3/4 liter क्या है पेंट, 1 square meter वॉल पर लगता है। ओके, 3 and 1/2 square meter वॉल्स रिक्वायर्ड पेंट, वॉल्स रिक्वायर्ड पेंट, सो 3 and 1/2 जो स्क्वेयर मीटर है उसमें कितना चाहिए। देखो बेटा, 1 square meter पर लगता था इतना, 3 and 1/2 square meter पर लगेगा कितना, इन दोनों के आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 and 3/4 मल्टीप्लाई 3 and 1/2। सो दोनों को पहले इन प्रॉपर फ्रिक्शन में लाएंगे, तो कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 2 8 8 8 और 3 11 11/4 मल्टीप्लाई 2 3 6 6 और 1 7/2। क्या मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई के केस में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमेटर डिनोमेटर की। सो 11 7 जो कितना होता है, 77, 4 2 जो क्या होता है, 8 होता है। ओके, अब इनको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, 77 और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। 9 हमारा कंप्लीट हो चुका था, 5 हमारा रिमाइंडर था, इसको किससे डिवाइड करना, 8 से। सी हमारा क्या हो गया, इतना आंसर हो गया कि हमें इतने पेंट की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि 1 square meter वॉल नीडेड पेंट, बेटा 1 square meter वॉल पर कितना पेंट लगता है, 2 and 3/4। ओके, सो 3 and 1/2 square meter पर कितना पेंट लगेगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई की, इन प्रॉपर फ्रिक्शन में इनको हमने चेंज किया, इन प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज कैसे करते हैं, मिक्स फ्रिक्शन को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 8 प्लस 3 11/4 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया हमारे पास, 6 6 प्लस 1 7/2। और मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या करते हैं, इन दोनों की न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमेटर डिनोमेटर की मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 77, 4 2 8 हो गया, फिर इनको, ये हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है, बट इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रिक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, 77 और 8 से डिवाइड करना है, 7 9 72, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5। 9 हमारा कंप्लीट हो चुका था, 5 हमारा रिमाइंडर है, इसको किससे भाग देना है, 8 से डिवाइड करना है। ओके बेटा, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.10, और जो आपके मल्टीप्लाई वाले जो केस थे वो आपका कंप्लीट हो चुके हैं फ्रिक्शन में। ओके, थैंक यू।